हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि आपको पर डे मिलता है टुडे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, तो आज ये टुडे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो कृपया सॉल्यूशन को लास्ट तक देखें और आपका कितना करेक्ट आंसर था वो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसमें ऐसा कौन सा फीचर जो सॉफ्टवेयर का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज। बहुत लोग इसमें हेल्प बोले हैं, तो हेल्प और मेनू देखते हुए कॉर्नर पे एक आइकन टाइप का बना होता है, तो ये सब सॉफ्टवेयर का फीचर होता है। विंडोज क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल। जहाँ पे ईमेल अपना स्टोर होता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसको आप एक तरह से समझिए कि किस वे में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटाबेस। तो इसका ऑप्शन नंबर टू होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, द एबिलिटी ऑफ फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर दिया था फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल और डायरेक्ट एक्सेस, इस दोनों में अंतर क्या है? कि फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होता है? डाटा एक्सचेंज होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, ठीक। डायरेक्ट एक्सेस भी वही करता है, मगर डायरेक्ट एक्सेस में यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इमीडिएटली। तो आप लोगों ने DMA का नाम सुना होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? डायरेक्ट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइज स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाटा को हम लोग सर्वर पे या कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाटा वेयरहाउस। ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर, देखिए जैसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का नाम आता है तो हमारे मन में क्या चला आता है? जरूर ये क्या होगा? एल्गोरिदम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर सेवन, द टू मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ठीक। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेज कंटेंट कमांड इन द लैंग्वेज। जैसे कल मैंने कहा, वो क्वेश्चन दिया था टुडे क्वेश्चन में ही कि डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ऑन एंड लाइसेंस बाई ए कंपनी। तो इसमें भी बहुत लोगों ने अपना अलग अलग आंसर दिया था, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? लिनियक्स। बहुत लोगों ने यूनिक्स इसका आंसर दिया था। तो लिनियक्स जो होता है खासकर बिजनेस पर्पस या बहुत बड़े बड़े कंपनी में इसको लिया जाता है, जिसमें आपको कॉमनली अबंतु एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको इसमें यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिनियक्स। क्वेश्चन नंबर टेन, इक्वल टू सम। जैसा कि हम लोग एक्सेल में कोई फॉर्मूला बार में यूज करते हैं किसी दो टेबल या किसी भी सेल का सोल्यूशन, मतलब कि सम निकालने के लिए, तो ये फार्मूला किस चीज़ का है? एक तरह का फार्मूला होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फार्मूला। तो ये था अपना आज का टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर। तो अपना आंसर मिलाइए और फिर जो आपका करेक्ट स्कोर है आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आपके यहाँ पे सामने में इंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो शो हो रही है जहाँ से आप पूरा MCQ और STET के बारे में पढ़ सकते हो, सारा एक प्लेलिस्ट।